इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर अरविंद केजरीवाल का वीडियो संदेश जारी किया है। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। कुछ वक्त पहले आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शराब घोटाला मामले में चुनावी चंदे की एंट्री की, और अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम के द्वारा जेल से भेजा गया संदेश पढ़कर सुनाया। अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ते हुए सुनीता ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे क्या कुछ कहा सुनीता केजरीवाल ने, सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। बनाना है भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत